डीएम लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू, G20 को लेकर हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस। G20 में विश्वविद्यालय लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति विकास कार्य को दुनिया के सामने रखने का बड़ा प्रयास। भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। LDA, नगर निगम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, सभी विभागों की G20 को लेकर बैठक। 19 जनवरी को केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हम विभिन्न प्रकार से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। निबंध प्रतियोगिताएं, भाषा प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। 21 जनवरी को 2 मेगा इवेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास से KD सिंह बाबू स्टेडियम तक मैराथन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। लखनऊवासी उत्साह के साथ सहयोग करें। G20lucknow.com पर मैराथन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक टी शर्ट और एक कैप दिया जाएगा। जो जितने हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। एक मैराथन सुशांत गोल्फ सिटी की तरफ से किया जाएगा। लखनऊ G20 को लेकर तैयार है। सुबह 9 बजे से मुख्यमंत्री आवास से मैराथन शुरू होगी। एक दूसरी मैराथन रेजिडेंसी से KD सिंह बाबू स्टेडियम तक शुरू होगी। बाहर से देश विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा बाहर से आने वाले विदेशी व लोगों की सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। हर विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 फरवरी 2023 के मध्य किया जा रहा है। यहाँ भारत सरकार के विदेशी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत सरकार द्वारा 1/12/2022 से 3/11/2023 के मध्य आयोजित है। G20 का एक महत्वपूर्ण समूह है, जिसमें दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। सामूहिक रूप से G20 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व की आबादी का 2/3 हिस्सा शामिल करते हैं। इस दौरान G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा शिखर सम्मेलन एक विभिन्न स्तरों पर मंत्री स्तरीय, शेरपा, वरिष्ठ अधिकारियों, गैर आधिकारिक, साइड इवेंट और सेमिनार्स के माध्यम से 200 से अधिक बैठकें आयोजित होने की उम्मीद है। इनमें से प्रत्येक बैठक में लगभग 40 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। और निवेदन करता हूं कि G20 के इस आयोजन में आप सभी लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। अपनी भूमिका को जिस रूप में भी है जरूर निभाएं। हम सब लोग मिलकर लखनऊ को बाहर से देखने वालों के लिए एक साफ सुथरा, एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली ये सिटी के रूप में प्रदर्शित करें। धन्यवाद। सर, इवेंट की टाइमिंग क्या रहेगी? जो वॉकाथॉन मिनी मैराथन, हाँ, ये 9 बजे, सुबह 9 बजे ये शुरू होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा 5KD से वॉकेथॉन का, और रेजिडेंसी से सेम टाइम 9 बजे वहाँ से मैराथन भी शुरू होगी। इसमें कोई भी व्यक्ति रजिस्टर कर सकता है। जो भी रजिस्टर करेगा उसको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा इवेंट के बाद में, तो वो उसी से डाउनलोड कर पाएगा। इसकी जो वेबसाइट है उसका टाइम बाद में बताया जाएगा। इसकी वेबसाइट G20lucknow.com, G20 डिजिट में है, G20lucknow.com, इस पर रजिस्ट्रेशन होगा। आज से ही रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा, आज आफ्टरनून से। सर, 150 से ज़्यादा डेलीगेस्ट जो है G20 में शामिल होने के लिए लखनऊ आ रहे हैं, उनके रहने और सुरक्षा की व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन सभी प्रोटोकॉल्स को दृष्टिगत रखते हुए उनके ठहराने की व्यवस्थाएं 3 होटल्स में की गई हैं। श्रृंखलाबद्ध तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं में वो प्राइमरी, अपर प्राइमरी या जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज हैं या उच्च शिक्षा के विद्यालय हैं, वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी स्तरों पर निबंध प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं, पोस्टर इत्यादि विभिन्न प्रतियोगिताएं और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उद्देश्य है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो नवयुवक हैं,
उनको G20 नेशंस और इसमें भारत की अग्रणी भूमिका जो अभी भविष्य में रहने वाली है वो उसके बारे में उत्साहपूर्ण उनका प्रतिभाग हो सके ये सुनिश्चित करना है। तो लखनऊ में सभी विद्यालयों में ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, इसमें जो विजयी होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और बाकी सभी को प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद हम अभी 21 तारीख को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 21 जनवरी को 2 मेगा इवेंट्स कर रहे हैं जिसमें जनभागीदारी बृहद स्तर पर अपेक्षित है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 21 जनवरी को प्रातः 9 बजे 5KD से एक वाकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसमें समाज के अधिकांश वर्गों को शामिल किया गया है जिसमें छात्र, NCC, इंडस्ट्रियलिस्ट, सिविल डिफेंस या जो RWAs हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी शामिल किया जा रहा है। होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु उत्तर प्रदेश के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यटन और संस्कृति विभाग, सूचना विभाग, MSME, नागरिक उड्डयन विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग, बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आदि द्वारा अपने से संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम के सफल संचालन और क्रियान्वयन हेतु सचिव और अपर सचिव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा बैठक संपन्न की जा चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम से संबंधित स्थलों जिसमें अमौसी एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो रूट्स, कानपुर रोड, शहीद पथ, जो वेन्यू है सेंट्रम होटल और उसके आसपास का क्षेत्र, गोमती नगर क्षेत्र, लोहिया पथ, हजरतगंज, रेजिडेंसी, इमामबाड़ा चौक, अमीनाबाद आदि क्षेत्रों में विभिन्न विभागों, LDA, नगर निगम, PWD, NHAI, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम आदि विभागों के साथ संबंधित विभागीय स्तर पर की जाने वाली सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर अपाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबेन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।